वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मेथी की भाजी, जिसके लिए हम यहाँ पे हमने लिया हुआ है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से कट करके ऐड करेंगे। अब प्याज को हम नरम होने तक फ्राई करेंगे। जब इस तरह से प्याज फ्राई हो तो हमने यहाँ पे एक बंच मेथी की भाजी ली हुई है, अच्छी तरह से साफ करके धो के काट के लिया हुआ है, ऐड करेंगे। और एक टमाटर ऐड करेंगे और एक आलू को इस तरह से छोटे पीसेस में काट के ऐड करेंगे। और 1/4 हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, टेस्ट के हिसाब से ले नमक। आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो पे रखेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे कवर करके हम उसे पका लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, बीच बीच में चेक करेंगे। तो इस तरह से भाजी को हमारे पकते हुए 10 मिनट हो चुका है स्लो फ्लेम पे, भाजी पकने को है और आलू भी थोड़ा सा कच्चा है, तो इस स्टेज पे फिर से कवर करेंगे और 5 मिनट और पका लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बहुत ही कम मसालों में मेथी की भाजी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए आलू भी पक चुका है और भाजी भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मेथी की भाजी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे चपाती राइस के साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।